वाला राम तेरे कम आएगा। बले, 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 कैसे बले। काम आता है देखो। हाँ जी, जपते और नहीं जपते उनका फर्क। हाँ। और कैसे काम आता है। वाह जी वाह। सावन सिंह जी महाराज का कोई चिताया हुआ गुरमुख प्यारा था, और उसके पड़ोस में कोई गैर प्रेमी था। अब वो चोला आखिरी टाइम आ गया उसका, दूसरे का जो गैर प्रेमी था, तो उसको बड़ी तकलीफ हो रही है। और उसको जमदूत है ना, वो दिखाई देने लगे, और वो बड़ा घबरा रहा है। बोले मेरे को ये मारेंगे, मेरे को इनसे बचाओ। इतने वो पड़ोसी गुरुमुख था, नाम लिया हुआ, वो आ गया उसके कमरे के अंदर। तो जितनी देर वो बैठा रहा ना, वो जमदूतों की हिम्मत नहीं हुई कमरे में आ जाए, वो दूर ही खड़े रहे जिससे गेट पे, समझ गए। वो कहने लगा अच्छा भाई मैं तो अब जाऊं। जब वो जाने लगा तो वो अंदर आने लगे, वो कह ना जा तू जाना जाना, उसको लास्ट तक अपने पास रखा। और फिर उसने कहा बोले तू महाराज का ध्यान कर। उस गुरुमुख ने उसको कहा तेने आज तक तो याद नहीं किया, और चलो ये भी तेरे पर कृपा होगी, पड़ोस का ही कितना फायदा है एक सत्संगी का। हम सत्संगियों की कदर कीमत नहीं जानते। तो आखिर में उसने महाराज जी का सरूर उसको आया ना, तो महाराज जी लेने के लिए बोले चल तू याद कीता है सानू आखिर ठीक सही। अब कहां तो जमदूत आ रहे थे और कहां महाराज जी आ गए, तो कम काम आता है कि नहीं आता, कोई कमी है। परम पूज्य मनेजर साहब जी एक सत्संग में कुंभा कुमार हुआ राजस्थान, गरीब आदमी, वो ये ट्यूबवेल नीचे ना कुआं खोता था, पटता था, और जो उसके पैसे कमाई होती उसे गुजारा करता। एक दफा क्या हो गया, उसके घर में बेचारा गरीब जरूर है लेकिन शरीफ और भगत। गांव में अमीर बड़े बड़े लोग बहुत होते हैं, कोई साधु संत फकीर आते हैं ना, वो यही पूछते हैं भाई इस गांव में कोई मालिक का प्यारा भगत है, उसका अगर घर है तो बता दो। उन्होंने कहा भी कुंभा भगत है। अब वो चले गए उसके घर, अब घर कुछ ही खाने को नहीं कुछ भी। अब घरवाली इधर उधर गई, कहीं अड़ोस पड़ोस से कुछ नहीं मिला। आखिर में वो बनिए के पास गया, कहता मेरे घर इस तरह साधु महात्मा आ रहे हैं और मेरे को कुछ राशन पानी दे दो, वो बेचारे भूखे ना आ जाए, और मैं तेरी है ना दिहाड़ी करके दो चार दिनों में, और ये तेरा सारा उतार दूंगा। तो उस बाणी ने राशन दे दिया। अब उसके बाद बाणी नहीं, वो नीचे कुआ लगाना था, तो कहता आजा भी कुंदा कुंभाराम, साथ में मेरे पैसे उतर जाएंगे और साथ में मेरा कुआ खुद जाएगा, दोनों ही काम हो जाएंगे। अब कुआ खोदने में देखो, वो तो नीचे से खोद खोद टोकरी रस्सी में भर भर के उसके घरवाली खींचती है रस्सी, इस तरह उन्होंने खोद खोद के डूंगा कर दिया काफी। जब नीचे चला गया ना तो ढह पड़ गया, अब कुंभा तो दब गया। अब जो थे बेचारे क्या करे, हेल्पलेस, कोई साधन नहीं निकालने का, कोई मशीन नहीं, कोई कुछ नहीं। मल की बाना मान के अरुण का भी जो मल की मौजब क्या जो चलता है, तो वो उसको बंद करके जिस तरह थाना आ गए। अब उसके बाद में देखो वो भगत था और मल की रोजाना भजन गाया करता खड़ताल से, तो उस जगह कोई बारात आके रुकी गांव के नजदीक और वहां डेरा हो गया। तो एक बराती उठ के थोड़ा सा साइड में जिस तरह कोई पेशाब शू करने गए, ऐसे जाए ना कुएं में जहाँ वो कुआ था बंद किया हुआ,
तो वहां वो बैठ के पेशाब करने लगा तो उसको बदन की आवाज आ रही है नीचे से, समझ गए। और ये एक साल बाद की बात है, एक साल तक वो कुआ बंद रहा है, अंदर से आवाज आ रही है। उसने कहा ये आवाज आती है, दूसरा भी गया कहता हाँ आती है। सारे जितने बराती थे उन्होंने एक एक करके सारे देखे सुना, फिर कहने लगे भाई ये तो है, ऐसे आवाज तो नहीं आती। अब खुदाई बोले भाई कुंभा इसके अंदर दब गया था, बनिए को ये तो पता था। तो बनिए ने वो खुदाना शुरू किया, वो कुंभा ऐसे ही खड़ताल बजाता बैठा नीचे, और वो ढाया ना उसके ऊपर ही टिका रहा, लेंटर बन गया, और उसके जेब में खड़ताल थी वो बजाता रहा एक साल तक। देखो उसका राशन पानी मालिक ने कहां से दिया, क्यों नहीं जपता अंदर वाला, राम तेरे कम आएगा। ऐसे ऐसे टाइम में मालिक काम आता है, इससे ऊपर कोई हो सकता है? जाको अति मुश्किल बने ढोई कोई न दे, लागू हो जाए दुश्मन दुनिया भज खले, और चुपके सब आसरार भजे सब असराव। गुरबाणी में आता जे कुछ टाइम चित आए पार ब्रह्म तो लगे न सकती भाई, सारी दुनिया दुश्मन हो जाए, कोई उसका मददगार करने को ना हो, सब मित्र प्यारे पीठ दिखा जाए। इतनी मुश्किल की घड़ी में अगर वो मालिक को याद कर लेता है तो मालिक उसकी पीठ नहीं लगने देता। अब बताओ हमें मालिक को याद करने का फर्ज है कि नहीं है? कितना काम करता है आखिरी टाइम। तो भाई इससे बड़ा हमारे लिए तो कोई चीज है ही नहीं। धन धन सतगुरु तेरे यात्रा। और जिन भक्तों ने साध संगत की सेवा की है ना, ऐसे ऐसे भक्त हुए, गरीब भगत थे मियां बीबी, उनके घर कोई फकीर आ गए, तो फकीर आ गया तो वही बोले भाई खाने की भूख लग रही है। अब उनके घर कुछ भी नहीं, और उन्होंने दो दिन से मियां बीबी ने खाया भी कुछ नहीं, और बेचारे वो भिक्षा मांग के लाते थे, मिल जाता था उसी से काम चलाते थे। अब भिक्षा मिले नहीं, ऊपर से वो आ गए, और कहीं से मिलने का कोई साधन नहीं, पैसा जहर खाने के लिए नहीं। अब फकीर घर आ गया तो उन्होंने मालिक का रूप समझ लिया उसको, भाई जे फकीर घर से चला गया भूखा प्यासा तो ये भक्ति का कुछ नहीं बनेगा। तो उनको क्या सुधी उसकी घरवाली, वो तो बेचारा हाथ खड़े करके बोले हे मालिका तेरे गरीबी थी कोई हद तो कर लेता। वो कहने लगी कोई बात नहीं अभी तक अपने पास साधन है। कहने लगा क्या है? बोले मैं लाती हूँ। उसकी घरवाली ने नाई को बुला कर आधे बाल कटवा दिए, और वो बेच के राशन ले आई, समझिए। अच्छा वो बोला भाई मैं तो कल तक रहूंगा, अब अगले टाइम का फिर कहां से ले, खुद दोनों भूखे रहे, उसका इतना ही राशन आया उस महात्मा जितना खा सके। सुबेरे फिर गई वो बाकी बाल बचे ना रोड मोड करा के उनको फिर बेचे, और दोनों बेचारे पानी पी के और महाराज के कुर्सी पे बैठे थे उनके चरणों में सिर रख के सो गए रात को। अब रात को वो महाराज जी क्या थे उनकी वो परीक्षा ही लेने के लिए आए थे साधु करो, तो वो तो रात को चुपके से निकल गए, और उन्होंने देखा ना तो उनके घर में सारी चीजें एकदम चकाचक, उनकी नींद खुली तो घर हर चीज से भरा पड़ा है। वो देख के हैरान रह गए, फिर उनको पता लगा ये तो मालिक खुद ही आया था, हम मालिक की पहचान नहीं कर सके, पर शुक्र है बोले मालिक की सेवा से तो वंचित नहीं रहे, उनको इस चीज की खुशी रही। तो मालिक कितनी बरकतें करता है भक्तों की, वो पीठ लगने ही नहीं देता। धन धन सतगुरु तेरे।